काशीपुर शहर और आसपास के इलाकों में चैन स्नेचिंग झपटमार की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके के लोगों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी क्रम में ITI पुलिस ने चैन स्नेचिंग और झपटमार घटनाओं में सम्मिलित अभियुक्तों का गैंग चार्ट तैयार किया है। पुलिस ने बीते दिनों गैंगस्टर में प्रभजोत सिंह और गुरपाल सिंह और रिंकू को गैंगस्टर की कार्रवाई के चलते जेल भेज दिया था, जबकि तीसरा अभियुक्त सुरेंद्र सिंह अन्य वारदात में जेल से रिहा हो गया था। वो भी चैन स्नेचिंग में झपट्टामार की घटनाओं में सम्मिलित था, जिसके ऊपर पुलिस ने पहले ही गैंगस्टर लगाई हुई थी, जो फरार चल रहा था। आज पुलिस ने सुनील को तत्परता दिखाते हुए काशीपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। क्षेत्र में पिछले लंबे समय से जो लोग चेन स्नैचिंग और झपट्टेमारी में इन्वॉल्व थे, तो इन पे पहले भी मुकदमे हुए हैं। तीन इसमें अभियुक्त थे, प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह और सुनील। ये तीनों ही बाजपुर निवासी हैं। इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह पूर्व में जेल में निरुद्ध है अन्य मुकदमों में, परंतु सुनील कुमार इसमें से फरार चल रहा था। आज सुनील कुमार की इसके तहत हमने गिरफ्तारी की है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है।